अभी एग्जाम तो कम्प्लीट हो गया, अब मैडम बताएगी कैसा गया एग्जाम, कैसा गया एग्जाम? तो अच्छा गया, लेकिन आप लोग दुआ करना कि रिजल्ट भी अच्छा है। शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए हाय, ताकि आप लोग हर नोटिफिकेशन पा पाए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम लोग हैं पटना, और पटना में हम लोग आज क्यों आए हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पटना में आए हैं अपने वाइफ, देख सकते हो मेरे पीछे में मेरी वाइफ इधर बैठी है। अभी इसका पेपर है आज, तो हाय बोलो सबको। तो अभी ये पटना में है, इसका आज पेपर है सीटेट का। तो आज ये पटना लेके आए थे, तो आज हम लोग होटल में रुके थे, तो होटल में अभी बैठे हुए हैं। यहाँ पर अभी वाइफ भी रेडी हो चुकी है और मैं भी रेडी हो चुका हूँ अभी सेंटर पे जाने के लिए। तो हम लोग आज पटना का पूरा आपको दिखाएंगे, एग्जाम सेंटर पर कैसा हो रहा है और पटना का माहौल कैसा है। ठंडी तो बहुत है यहाँ पर अभी, फिर भी हम लोग अभी निकल रहे हैं अच्छे से रेडी होकर के। देखिए पूरा ठंडी का पूरा कपड़ा पहन लिए, सबसे ज़्यादा ठंडी इसी को लगता है। देखते हैं कान में टप्पा चादर स्वेटर पूरा पहन के फिर रेडी हुई है, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा ठंडी लगती है। अभी भी सब नाक से पानी इसका गिर रहा है। देखिए A few moments later, हम चाबी ले लिए, अभी रूम लॉक करेंगे यहाँ से और निकलेंगे इस होटल से बाहर और सेंटर के लिए। तो चलते हैं हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, निकल रहे बाहर। और आज का दिखाता हूँ सामने का गार्डन करके रखा है यहाँ पर इस होटल में। तो ये है देख सकते हो, यहाँ से मैं आपको बाहर का भी दिखाता हूँ यहाँ पर कैसा है यहाँ पर सीन। ये देख सकते हो यहाँ से निकलेंगे। अभी देखिए सुबह सुबह कितना कुहासा है यहाँ पर, और इधर देख सकते हो पूरा अच्छा सा गार्डन, देख सकते हो पूरा गार्डन करके रखा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर कैंपस में। और ये भी है, हाँ है ना, उधर देखिए देखिए सब पूरा गार्डनिंग है फूल रख रहे हैं। चलो ये देख सकते हो इधर पूरा फूल गार्डन का सीन बना हुआ है सब, हो सब देखो पूरा गार्डन है। हाँ हाँ कौन सी कागज कैसा था बना हुआ ना। चलो इधर खुलेगा तो ये देख तो गार्डन पूरा कितना से सजा कर रखा है, गुलाब का फूल ना देख सकते हो कितना अभी ठंडी यहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ देख सकते हो 7:15 बज चुके सुबह के, और यहाँ पर अभी ठंडी देख सकते हो कितना है, पूरा कुहासा कुहासा ही पीछे दिख रहा होगा आपको कुहासा में। देखें सबसे ज़्यादा देखिए मेरी वाइफ को ठंडा लग रहा है पूरा, देख नाक मुंह सब बांध के रखे देख। तो देख सकते हो आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हाँ पटना की शीतलहर देख सकते हो, साहब पूरा कुहासा ही कुहासा इधर दिख रहा होगा। देखो तो पूरा बिल्डिंग में पूरा कुहासा ही कुहासा है। इतना अभी ठंडी चल रही है देख सकते लिए खुद देखिए कितना ठंडी में भी कुत्ते को भी स्वेटर पहना दिया है आज। इतना ठंडी है पटना की ये ठंडी देख सकते हो। हम भी ऊपर से अभी कान में ठंडा लग रहा था यार, तो हम भी लगा लिया इधर से, चलिए ठंडी पहुँचा दे यहाँ पर। अभी सेंटर पर जाएंगे तब पता चलेगा कैसा है माहौल उधर का। यहाँ पर देख सकते हो अभी बहुत सारा भीड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे देख सकते हो कितना लाइन लगा हुआ है यहाँ पर, और आगे भी है बट अभी सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, और सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद एंट्री मिलता है यहाँ पर। तो अभी सब यहाँ पर एग्जाम में भीड़ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे कितना यहाँ पर भी अभी भीड़ है। देख सकते हो इधर
अभी पूरा यहाँ पर अपने उसका स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का यहाँ पर गर्दी है। यहाँ पर जो सेंटर है मेरे वर्क का भी यहाँ पर सेंटर है, बट यहाँ पर अभी ये कितना सर अभी सबको लाइन लगा के यहाँ पर सबको एंट्री मिल रहा है और डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ सब वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उसको फोटो मैच किया जा रहा है, उसके बाद ये अंदर जाने दिया जा रहा है। यहाँ देख सकते हो अभी कितना सारा भीड़ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा लाइन लगा हुआ है पूरा स्टूडेंट का, वो लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पर एक एक डॉक्यूमेंट फ्री एंट्री जा रहे दे रहे हैं। अभी 9 बज गया है, अभी तो 9:30 बजे तक एंट्री है, 9 बजे तक एंट्री है, 9 बजे से फिर एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सीटिंग, तो यहाँ पर से वो यहाँ तक जाएगा। वो देखे तो कितने सारा यहाँ पर कर दिया है एग्ज़ाम सेंटर पर, ये देख सकते हो उधर भी है, देखे तो सब यहाँ पर अभी लाइन में लगे हुए हैं। देख सकते हो अभी एग्ज़ाम फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ है और रोड पे कितना जाम है, अभी सभी स्टूडेंट लोग उधर सब खड़े हुए यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर अभी एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है, एग्ज़ाम अभी जस्ट ख़त्म हुआ है फर्स्ट 8 to 10 का, तो अभी यहाँ पर सब लोग जाए हैं, यहाँ पर सभी स्टूडेंट लोग लंच कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से फिर सेकंड सीटिंग 2 बजे से है, तो 2 से 5 चलेगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम का सेकंड सीटिंग 5 बजे ख़त्म होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सभी लोग कितना अभी कर दिया है, उसका भी निकला है यहाँ से, ये सीटेट का एग्ज़ाम था उसका, यहाँ पर मेरी वाइफ भी दे रही है और मैं यहाँ पर अभी आया हूँ। और रोड पर देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं ये शॉप है, इधर HDFC का ATM है, डील कैंडिडेट सेंटर आपके किसी भी सवाल की जिम्मेदारी नहीं लेती है। कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कैंडिडेट आप मास्क पहन के लाइन में लगेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए लाइन को मेंटेन रखेंगे। जितने भी कैंडिडेट है आप सबसे रिक्वेस्ट है कृपया आप गेट से दूर बना के रहेंगे, गेट के आसपास कोई भी पेरेंट्स भी नहीं होगा। तो ये अभी PNM मॉल का मेन गेट, अभी ये मॉल भी बंद है यहाँ पर, एक्चुअली कोविड की वजह से इसको बंद कर दिया गया है, उसके कारण ये नहीं चल रहा है यहाँ पर। और फिर तो ये PNM मॉल है यहाँ पर, अभी ये सब बंद है यहाँ पर, ये देख सकते हो उसके कारण ये नहीं बन रहा है अभी, और इधर से अभी आना स्टार्ट हो गया है इधर यहाँ पर, कितना सारा गर्दी हो रहा है अभी। एग्जाम अभी ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर, अभी लास्ट था सेकंड शिफ्ट वो भी ख़त्म हो चुका है अभी, और यहाँ पर अभी बहुत सारा रश है इसे यहाँ पर, वो आपको दिख रहा होगा, वो देख सकते हो आप यहाँ पर कितने सारे घंटे ऑटो वाले पूरा जाम करके रखे हैं। Start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? Who's calling? I won't ask for much. All I want. अबे देखिए सामने सामने जाओ। अबे देखिए आई निकली है, देखिए पूरा ना क्या क्या था, पानी सब खत्म कर दिया। हाँ तो देखिए अभी आ गई है और ये पेपर भी खत्म हो गया। अच्छा क्या पेपर? हाँ तो चलते अभी, देखो कितना सारा अभी एरिया था इस एरिया का, सुबह कितना था देखो। हाँ सुबह कितना कुहासा था, अभी देखो कितना क्लियर ना, ये देखो कितना सारा बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। इधर इधर ही हमारी मैडम बहुत आज परेशान हुई है। हाँ ये पाटलिपुत्रा कॉलोनी है,
यहाँ से हम लोग अभी यार इधर देखो कितना अच्छा बना हुआ देख सकते वो है। देखो ये अभी रात हो चुका है इवनिंग के टाइम में। अभी ये बिल्डिंग देखो कितना अच्छा सजा हुआ है। ये पूरा अच्छा से पटना में बहुत सारा अच्छा अच्छा बिल्डिंग है जो आपको दिखाता हूँ। इधर इस साइड देख सकते हो कितना अच्छा है ये भी। और अभी एग्ज़ाम तो कम्प्लीट हो गया, अब मैडम बताएगी कैसा गया एग्ज़ाम। कैसा गया एग्ज़ाम? तो अच्छा गया, लेकिन आप लोग दुआ करना कि रिजल्ट भी अच्छा आए। हाँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कॉमेंट में बताना। हाँ, वीडियो कैसा लगा तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय बाय।